शाबाश शाबाश टोनी, बाहर निकल, छोड़ जगह, बाहर निकल बगैर था, रास्ता छोड़ के खड़ा, रास्ता छोड़ के खड़ा, बाहर निकल बगैर, बाहर निकल, शाबाश, छोड़ जगह, शाबाश, पर आयो घर से, रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे, शाबाश टोनी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या हाल है भाई, ये तो आड़े हैं, जी वापस जो आयो फिर एक बार बल्कि उदे नहीं जाना हूं कि आयो अगे दिडू तू आंदा कुत्ता कूड़ा है आइए आज हम दूसरी क्रिमिनल डॉग पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं। नाजरीन और सामीन, क्योंकि गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो गुर्बत को कम करने के हलाल तरीक़ाकार को छोड़कर हराम तरीक़ाकार को अपना लिया गया है। नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड की जाती हैं और जो पिछली डॉक्यूमेंट्री अपलोड की गई थी वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी और कुछ सवालात लोगों के ऐसे थे जिनके जवाब देना इंतहाई मुश्किल बात थी, लेकिन ऑलमोस्ट उनको जवाब दिए गए। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको बताया जाएगा कि चोरों ने सोलर प्लेटें उठा ली और अपने घर की तरफ ले गए। आज की डॉक्यूमेंट्री में आपको बताया जाएगा कि खोजी कुत्ते ने सोलर प्लेटों के चोरों को किस तरह पकड़ा। ये देखें आवाम की यलगार इस खोजी कुत्ते का पीछा कर रही है। लोग दौड़ रहे हैं, यकीन कीजिए इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि हाथ भी जम चुके थे, पाँव भी जम चुके थे, लेकिन आप यकीन कीजिए कि लोग इस तरह से दौड़ रहे थे कि जैसे कोई खेल हो, जैसे वो यहाँ पर शिकार खेलने आए हों और सर्दी का नामो निशान ही ना हो। सोलर प्लेटें मोरखा 7 जनवरी 2024 को चोरी हुई और दूसरे दिन 8 जनवरी 2024 को ये खोजी कुत्ते बुलवाए गए। पहली एपिसोड में कुछ लोग ये सवालात उठा रहे थे कि ये खोजी कुत्ते ट्रेन होते हैं और इन्हें अपना मालिक बता रहा होता है कि आपने बाएं जाना है या फिर दाएं जाना है। यकीन कीजिए ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो मट्टी जिस पर चोर के पांव पड़े हों उस मट्टी को सुंघाया जाता है और जब ये मट्टी की खुशबू या फिर बदबू कुत्ते के नॉस्ट्रल्स नथनों में चली जाती है तो वो इसे अपने लिहाज से एक ऑब्जर्वेशन स्किल के ज़रिए से समझने की कोशिश करता है। तो देखते जाइए ये कुत्ता किस तरफ जाएगा। ये रास्ता चीना अड्डा से चक की जानेब निकलता है और कुत्ता इसी रास्ते को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कहा यही गया था कि सोलर प्लेटें उठाने वाले चोर इसी रास्ते से मशरक की जानेब चलते रहे, क्योंकि इससे पहले जो मालकान हजरात थे उन्होंने उनके पाँव के निशानात देखे थे और कुत्ता भी उन्हीं पाँव के निशानात को फॉलो करता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन देखिए कि इस रास्ते के इर्द गिर्द लेफ्ट और राइट जाने भी रास्ते निकलते हैं, लेकिन ये कुत्ता तजस्सुस बढ़ा रहा था, किसी तरफ भी जाने को तैयार नहीं था। ये चलता रहा, भागता रहा और दौड़ता रहा सिर्फ और सिर्फ मशरक की जानेब। और ये आवाम की जो यलगार है ये भी इसके पीछे थी, क्योंकि ये कुत्ता तजस्सुस बढ़ा रहा था, क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा था कि आखिर ये कहाँ तक पहुँचेगा,
किसको चोर ठहराएगा, सोलर प्लेटों की चोरी हो या गंदम की चोरी हो, लेकिन चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो। इससे कुत्तों का कोई ताल्लुक नहीं होता, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस मिट्टी की खुशबू या फिर बदबू पर चलना होता है जो उन्हें पहली मर्तबा सुंघा दी जाती है। अब ये देखिए कुत्ता किस तरह समझदारी के साथ उन पाँव के निशानात को और मिट्टी के सेंस को, बदबू को, खुशबू को फॉलो कर रहा है। जिस तरह पहली वीडियो में आपको एक खूबसूरत सांस के साथ इस कुत्ते की रनिंग, इस खोजी कुत्ते का दौड़ना दिखाया गया था, बिल्कुल उसी सांस के साथ आप इंजॉय करते जाइए, देखते जाइए ये कुत्ता किस कदर समझदारी के साथ उन चोरों के घर तक पहुंचता है, डेरे तक पहुंचता है, बैठक तक पहुंचता है, और वो कंप्लीट आपको दिखाया जाएगा। उस शख्स को भी दिखाया जाएगा जो कि आकर लड़ाई करने लगता है, झगड़ा करता है कि आप लोगों ने जानबूझकर ये कुत्ते मेरे घर तक पहुंचाए हैं। हालांकि यकीन कीजिए ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो भाई इसके साथ हैं ये कुछ भी नहीं बोल रहे थे। यकीन कीजिए कि ना ही उन्होंने कहा है कि लेफ्ट जानेब जाओ, ना ही कहा है कि राइट जानेब जाओ। पहली वीडियो में भी कुछ भाई यही सवाल उठा रहे थे कि ये जो साथ होता है इनके कुत्तों के, खोजी कुत्तों के, ये उनका ट्रेनर होता है और वो इशारे दे रहा होता है और कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि कोड वर्ड्स के नाम से मशहूर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, उस शख्स ने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला था। तो क्या इतने लोग पागल थे जो पीछे यलगार की माने दौड़ रहे थे, वो भी सुन सकते थे? और ना ही इन कुत्तों की किसी के साथ कोई दुश्मनी होती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर दूर से आए हुए कुत्ते थे और ना ही ये जानते थे कि चोर का घर कहाँ है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंस को फॉलो करके दौड़ना जानते हैं और वहाँ तक जाना जानते हैं जहाँ तक चोर ने अपने आखिरी कदम रखे हों। तो देखते जाइए और अपनी मालूमात में इजाफा करते जाइए। ये देखें नाज़रीन, इतनी ज़्यादा आवाम और इसका ट्रेनर काफ़ी दूर है। अब यहाँ से वो कैसे उसे इशारे दे रहा है आप खुद बताइए। समझदार बनिए, लॉजिकली बनिए, मंतकी बनिए। प्लीज़ इसे गौर से देखिए और ख़ुद बताइए कि क्या ये सच्चे होते हैं या फिर झूठे।
अब आप खुद ही बताइए, जो कुत्ता तकरीबन 3 किलोमीटर दौड़ता रहा वो इशारों पर दौड़ता रहा? ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही हमने ऐसे कोई इशारे देखे, और ना ही कोई कोड वर्ड्स, और ना ही उसकी कोई आवाज सुनी। अब देखिए नाजरीन, ये खोजी कुत्ता बस्ती की जानेब बढ़ चुका है। अब यहां पर खौफ भी पैदा होने लगा, तजस्सुस भी पैदा होने लगा कि आखिर ये कुत्ता किसके घर में जाकर रुकेगा या किसके डेरे पर जाकर रुकेगा। ना ही ये पीछे देख रहा है, ना ही दाएं और ना ही बाएं, ना ही अपने मालिक की तरफ देख रहा है। ये बस उस सेंस को फॉलो कर रहा है और दौड़ता ही दौड़ता जा रहा है। आखिर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि लाजमी नहीं कि जिनकी बैठक हो वही चोर हो, लेकिन ये लाजमी होता है कि वो पांव के निशानात यहां तक छोड़ कर गए हों। अब जो वहां का मालिक है, इस बैठक का मालिक है, वो आकर जो बातें करता है वो खुद ही सुन लीजिए, और उसके जवाब में जो खोजी कुत्ते के मालिक हैं उनकी बातें भी आप खुद सुन लीजिए और खुद फैसला कीजिए। आप यकीन कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ खोजी कुत्ते के मालिक ने एक ही जुमला कहा कि भाइयों सामने से हट जाओ। कुत्ते ने जो सेंट सूंघी होती है, स्मेल की होती है, वो उसी के अकॉर्डिंगली जाएगा। बाकी तमाम बातें आप खुद सुन लीजिए। शाबाश शाबाश टोनी, बाहर निकल, छोड़ जगह, बाहर निकल बगैर था, रास्ता छोड़ के खड़ा, रास्ता छोड़ के खड़ा, बाहर निकल बगैर, बाहर निकल, शाबाश छोड़ जगह, शाबाश पर आ जाओ, रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे, शाबाश टोनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार भाई, ठीक ये गार्डन जी, ये तो सा मतलब वार्ड देता है कुत्ता जी, ये वार्ड देता नहीं, ऐसे नहीं वार्ड देता, मैं वार्ड देना केड़े गारे वार्ड देता हुकुम का केड़े वार्ड क्या आपके जी, तेरा मैं वार्ड देना कुत्ता तेरा, हां रास्ता वार्ड चार बुला लेने।